Hi guys, welcome back to my channel. My name is Kanika and today I'm traveling from India to Jakarta and I'll take you along. मैं पहुंच चुकी हूँ दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे. यहाँ पे बहुत अच्छा म्यूजिक चल रहा था शॉप्स के अंदर, तो मैं वहाँ पे थोड़ी देर रुकी और उसके बाद मैं निकल चुकी हूँ अपने बोर्डिंग के लिए. लाउंज से मैं अपना खाना छोड़ के 8:55 पे नीचे आई हूँ, भागती भागती ये सोच के कि मेरा बोर्डिंग स्टार्ट होने वाला है. पर गेस व्हाट, 9:34 हो चुके हैं और अभी तक मेरा बोर्डिंग स्टार्ट नहीं हुआ है. Guys, I just reached Terminal 2 of Singapore Airport. मेरा Terminal 3 में landing था और Terminal 2 में आना था, तो मैं Sky Train से आई हूँ और just अभी enter की हूँ Terminal 2 में. बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है. शक्ल के बिल्कुल 12 बजे पड़े हैं और यहाँ पे लोग सब इतने सुंदर लग रहे हैं, तो मैं वॉशरूम जा रही हूँ थोड़ा सा सुधारने के लिए. जितनी बार मैं सिंगापुर आती हूँ उतनी बार ही मुझे रियलाइज़ होता है कि यार थोड़ा और अच्छा बन के आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लोग इतने टिप टॉप रहते हैं और इतने अच्छे मतलब ड्रेस और हेयर्स के साथ रहते हैं, तो मुझे बहुत शर्म आती है यहाँ पे आके. एवरी टाइम आई कम हियर, एवरी टाइम आई रियलाइज़ द सेम थिंग. थोड़ा सा कंघी उंगी करके अभी शेप में आए हैं, तो अभी थोड़ा सा अच्छा और कॉन्फिडेंट फील हो रहा है. अदरवाइज़ मैं तो मुँह छुपाते हुए ही घूम रही थी कि यार मुझे कोई ऐसे ना देख ले. एक और चक्कर हो गया है, मुझे जस्ट अभी रियलाइज़ हुआ है कि मैं वहाँ से इतना जल्दी जल्दी में आई हूँ कि मैंने कैश नहीं लिया है. मेरे पास USD नहीं है, मेरे पास सिर्फ इंडियन करेंसी है. और जकार्ता में वीज़ा के लिए कैश चलता है, कार्ड भी नहीं चलता. मेरे पास कार्ड है पर मेरे पास करेंसी नहीं है, तो अभी देखते हैं इसको कैसे फिगर आउट करना है. एक तो यहाँ पे वीडियो बनाते हैं, बहुत शर्म आ रही है. आसपास वाले लोग सब ऐसे देख रहे हैं मुझे घूर घूर के. और एक डिसएडवांटेज ये भी है कि यहाँ पे बहुत सारे इंडियंस हैं, विच मीन्स मतलब जो भी मैं बोल रही हूँ उन लोग को समझ में आ रहा है. बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया हुआ इन्होंने एयरपोर्ट. मेरा गेट F21 है, फटाफट से वहाँ की तरफ चलते हैं. F30 से 60 इस साइड है. यहाँ पे करेंसी एक्सचेंज वाले हैं तो सही, पर मुझे इंडोनेशिया वाली करेंसी चाहिए, सिंगापुर की नहीं. ये इन्होंने आर्टिफिशियल आसमान बनाया हुआ है, इसके पीछे पक्का कुछ होगा. पर यहाँ पे क्योंकि वॉल है तो मैं जा नहीं पा रही हूँ पीछे देखने के लिए, टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो मुझे वापस अपने गेट की तरफ मुड़ना पड़ेगा. जितना ज़्यादा मैं मैदा अवॉइड कर रही हूँ उतना ज़्यादा ही मुझे मैदा मिल रहा है बार 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 बार. F30 तक पहुँच गई, बहुत चलना पड़ता है यहाँ पे भी, एयरपोर्ट्स पे भी. जो मेरा कैश वाला प्रॉब्लम था वो रिजॉल्व हुआ नहीं है अभी भी. मेरे पास सिर्फ कार्ड है, मेरे पास कैश नहीं है. तो वहाँ पे जाके आई होप मुझे ATM मिल जाए. मैंने थोड़े बहुत ब्लॉग्स देखे हैं जिसमें वो लोग बोल रहे हैं कि ATM है, पर वो एक साल पुराने हैं, तो थोड़ा सा रिस्क लेके मैं वहाँ पे जा रही हूँ. अगर नहीं मिला तो फिर देखी जाएगी, सब भगवान भरोसे चल रहा है. अभी तो मैं पहुँची नहीं हूँ और अभी से ही खाने की दिक्कतें हो रही हैं. यहाँ पर वेजिटेरियन खाना मिल ही नहीं रहा है यार, कब से ढूँढ रही हूँ मैं, सब नॉन वेज है. थोड़ा आगे जाके देखती हूँ शायद कुछ खाने के लिए मिल जाए. पहुँच चुकी हूँ मैं अब मेरे गेट के पास, जकार्ता वाली फ्लाइट यहाँ से अभी आधा घंटा है और यहाँ आसपास कुछ खाने को मुझे नहीं मिल रहा है, तो इससे अच्छा वहीं से ही रुक के कुछ चाय कॉफ़ी तो ले लेती, वो तो एटलीस्ट मिल जाता. फाइनली एक ऑप्शन मिला मुझे, ये लेती हूँ यहाँ से. मिल गया मुझे फाइनली एक वेजिटेरियन ऑप्शन. बहुत दूर आई थी एक्चुअली, लिटरली मैं वापस आई थी कुछ देखने के लिए, क्योंकि दूर दूर तक कुछ खाने पीने को नहीं था और मैंने कल से खाना खा रखा है, मुझे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है उनका सारा ये नॉन वेजिटेरियन खाना, तो मैं खा नहीं रही थी. ये सोच रही थी अब पहुँच के ही खाऊंगी, तो थैंक गॉड मुझे मिल गया. सो नाउ आई विल गो पीसफुली, क्योंकि फ्लाइट वगैरह में भी उतने ऑप्शन अच्छे नहीं मिलते. पानी लेना भूल गई जल्दी जल्दी में. चलो अच्छा, इन्होंने जगह जगह पर वाटर वाले इंस्टॉल कर रखे. दूर से ही दिख रही है, मेरे गेट पे बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, मैं बिल्कुल टाइम पे पहुंची हूँ. इससे पहले ये मुझे बोले कि यहाँ पे अलाउड नहीं है खाना, मैं खा लेती हूँ इसको यहीं पे. मुझे कार्ता अभी मेरा दिल धक धक कर रहा है क्योंकि मेरे पास कैश नहीं है और वीज़ा ऑन अराइवल लेना है. पता नहीं कार्ड चलने वाला है या नहीं, जो कि मोस्टली लोग बोल रहे हैं कि नहीं चलेगा. ATM देखते हैं यहाँ पे मिलेगा या नहीं, पता नहीं होने वाला है. ये ATM मिल गया फाइनली. यहाँ पे क्या है, ये बंद बंद तो नहीं है, सिस्टम मेंटेनेंस व्हाट, सीरियसली यहाँ वाले से ट्राई करते हैं. Yes, what, मेरा कार्ड चल गया.
एक्चुअली थोड़ा सा एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, 9000 IDR एक्स्ट्रा पे करना होता है कैश के कंपेरेटिवली, बट वो चल गया थैंक गॉड। और अभी कैश मुझे एनीवेज ही निकालना है, तो मैं ATM से कैश निकाल लूँगी जितना मुझे अपने पर्सनल यूज़ के लिए चाहिए, और वीज़ा वाला काम मेरा हो गया। मैं कैब में बैठ गई हूँ, मुझे कैब मिल गई है, सारी चीज़ें हो गई है, तो ओनली थिंग जो नहीं हुई है वो है कैश, क्योंकि यहाँ पे ATM से निकालना पड़ेगा और ATM मुझे आसपास अभी कहीं मिला नहीं, और जो मिला था वो उतना मतलब काम नहीं कर रहा था, तो ये सिचुएशन है। तो होटल जा रही हूँ अभी और देखते हैं कि वहाँ के आसपास कुछ मिल जाए तो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एज आई सेड की कैश ज़्यादा चलता है। फाइनली आई हैव रीच माई होटल, बहुत ही ज़्यादा सुंदर होटल है, बहुत ही प्यारा रूम है, मैं इसकी डिटेल वीडियो डालूंगी तो आप देखना। मैं फटाफट से हो जाती हूँ रेडी, नहा धो लेती हूँ और खाना ऑर्डर करती हूँ, और उसके बाद देखते हैं बाहर क्या माहौल चल रहा है। तो मैंने मेरा खाना ऑर्डर कर दिया है, और उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे ये वेलकम किट में ये सब चीज़ें मिली हैं, तो मैं सोच रही हूँ इसको खा लेती हूँ क्योंकि बहुत भूख लगी हुई है। मैं नहा धो चुकी हूँ, मैंने खाना ऑर्डर किया हुआ, मैं वेट कर रही हूँ खाने का, एक बार खाना आ जाएगा तो फिर मैं जाऊँगी नीचे थोड़ा सा देखने के लिए कि क्या क्या चीज़ें हैं आसपास, मुझे कैश भी लेना है, वो भी मुझे देखना है पार्ट, तो खाना आएगा तो उसके बाद जाती है नीचे। यार एक तो इतनी देर से मेरे डिलीवरी वाले भैया को होटल ही नहीं मिल रहा है, बहुत मुश्किल से उनको फोटो भेज भेज के मैंने दिखाया है कि ये होटल है, इस कलर का है, ऐसा दिखना है, अब वो नीचे आए हैं फाइनली, एक घंटे से भी ऊपर हो गया, बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, अब मैं नीचे जाके खाना लेके आती हूँ। इडली मेरा खाना आ गया है, मैंने इडली मंगवाई थी क्योंकि बहुत टाइम से मैं बहुत जंक खा रही हूँ, अवाकाडो शेक है, साथ में मेरे गोलगप्पे खाने का भी बहुत मन कर रहा था, तो ये सांभर और उसकी चटनी है, ये सब चीज़ें मैंने मंगवाई है, बहुत भूख लग रही है, अभी फटाफट से मैं खाती हूँ। आई एम बैक होम, तो शाम के 7 बज रहे हैं, मैं वापस आ चुकी हूँ, बस ऐसे ही घूम फिर के आ गई, कैश मेरे पास था नहीं, कार्ड इनके चलता नहीं है, तो बस जाओ और घूम फिर के ऑनलाइन कैब करके मैं वापस आ गई, और अभी मैंने खाना ऑर्डर किया है, फटाफट से खाना खाऊंगी। मैं एक्चुअली मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मैं कल से नहीं सोई हूँ, और मैं इतनी मतलब एनर्जेटिक फील कर रही हूँ कि मैं घूम फिर के भी आ गई हूँ, और अब मुझे राघव का फोन आया तो वो बोला तू सोई नहीं है कल से, हम सो भी चुके हैं, रात को भी सो चुके हैं, दोपहर को भी सो चुके हैं, और अभी फिर से नींद आ रही है, तो मैं अब सोच रही हूँ कि जल्दी सो लिया जाए क्योंकि सुबह फिर ऑफिस जाना है। और आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, तो रुको मैं डिनर भी दिखा देती हूँ, डिनर के बाद एंड करते हैं, और उसके बाद देखते हैं कल वाला दिन कैसे जाने वाला है। जो बाहर ट्रैवल कर रहा है प्लीज़ अडैप्टर लेकर आओ, यहाँ पे अडैप्टर नहीं लग रहा है, तो मैंने होटल से मंगवाया और फॉर्चुनेटली मेरा होटल अच्छा था, उन्होंने मुझे दे दिया, तो मैं अपने फ़ोन को चार्ज कर पा रही हूँ, अदरवाइज़ बहुत दिक्कत हो जानी थी। ये एक बात बताओ, ये जो स्ट्रॉबेरीज आती हैं डब्बे में भर के, इसको धोनी तो नहीं पड़ती है, इसको ऐसे ही खाना होता है ना। मेरा रात का ऑर्डर आ गया है, मैं दिखाती हूँ मैंने क्या ऑर्डर किया है। तो मैंने ऑर्डर किया है चीज़ डोसा, ये है सांभर, साथ में अवोकाडो शेक, मसाला, और इसके साथ में एक ऑर्डर किया है मैसूर पाक। अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में हो और आपने डोसा नहीं खाया, तो मतलब डोसे के लिए आपका प्यार झूठा है, चाहे इसको 4 घंटे लग जाए पहुंचने में, पर डोसा हमने खाना ही खाना है।